इंदौर में बीसी फंड के नाम पर पहले तो पैसा ले लिया गया और बाद में महिलाओं को धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल बीसी फंड के नाम पर जब बीसी खोलने की बारी आई तो आरोपी ने महिलाओं को धमकाना शुरू कर दिया, साथ ही एक महिला की बेटी को उठाने की धमकी भी दे दी। एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगरदा की रहने वाली इन महिलाओं का आरोप है कि यहां रहने वाले राकेश बड़वानी, दिलीप बड़वानी और मुकेश बड़वानी ने इलाके की महिलाओं को बीसी शुरू करने के नाम पर झांसा दिया और डेढ़ साल से बीसी की रकम जमा करवाकर कुल 25 लाख रुपए जमा कर लिए। जब महिलाओं ने अपनी बीसी की रकम की मांग की तो मुकेश बड़वानी अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर महिलाओं को धमकाने लगा और मारने की धमकी दे दी। मेरे पैसे ले रखा है उसने, बीसी फंड डाल रखा है उसने, 20 कम से कम लोगों के 20 से 25 लाख रुपए गबन कर रखा है। जो भी लोग जाते हैं मांगने उनको धमकी देता है, बोलता है कि जो अगर तुम जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारे, अगर कहीं भी मेरी शिकायत करोगे तो पैसे नहीं देंगे। मैं जाती हूँ, बार बार लड़ती हूँ तो मेरी बेटी को उठाने की धमकी देता है और बोलता है कि तुमसे जो दिखा पड़े वो जाकर कोर्ट में केस लगाओ, जाके कलेक्टर में शिकायत करो, मैं जो पैसे तुमको दूंगा वो कोर्ट में लगा दूंगा, कलेक्टर में लगा दूंगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम राकेश बड़वानी है। हाँ। दिलीप बड़वानी, मुकेश बड़वानी। कहाँ रहते हैं? ये जो है ना छोटा बागरदा रोड शांति नगर में रहते हैं। तो ऐसे में कहीं लगता है आपको कि आपकी बेटी को खतरा? मेरी बेटी जॉब करने जाती है, मुझे दिन रात नींद नहीं आती है, मैं बार बार अपनी बेटी को फोन लगाती रहती हूँ और मुझे बहुत खतरा है उन लोगों से कि मेरी बेटी को, मुझे खुद डर लगता रहता है, बार बार फोन लगाती हूँ और बार बार रोती रहती हूँ, खाना नहीं खाती। मेरी बेटी का इसी में फोन लगाई और इसी इनके उनमें जो है ना मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, CHL अपोलो में जो है ना क्या नाम से उसका ऑपरेशन हुआ, 2 लाख रुपए करीब मैंने लगा दिया। मैंने आवेदन CM साहब को दिया, मैंने थाने में आवेदन दिया, मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया और यहाँ मैं आखिर में आई हूँ। अपने साथ हुए धोखे की शिकायत महिलाओं ने SP पश्चिम कल्याण चक्रवर्ती और CSP मलारगंज RG राजपूत को की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DLive News।